दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मैं आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी हो रही है दोपहर और आज मैंने सुबह उठते ही काम किया अपना। पहले जो ज़्यादा गर्म कपड़े हैं, मोटे मोटे जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, उनको मैंने धूप में लगा दिया है, जिससे कि वो उनको मैं वापस डाल दूँगी। अब उनकी ज़रूरत नहीं रही है। जो थोड़े बड़े गर्म कपड़े हैं वो अभी भी रहेंगे बाहर, पर सारे ही गर्म कपड़े मैंने बाहर ही लगा दिए। अभी धूप होगी, अच्छे से धूप सीख जाएगी, पर वहाँ पे हवा भी बहुत चल रही है बाहर। आज बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो सीख जाएंगे धूप में तो अच्छा रहेगा ना। तो उन्हें डाल दिया है। और अभी कुछ कुछ पौधे में मेरे जो एक साल से उसमें फूल नहीं हो गए थे, अभी उसमें कलियां लगी है, तो इतना अच्छा लग रहा था देख के। और कड़ी पत्ता मेरा पूरा गंजा हो गया था, तो उसमें भी एकदम से मैंने देखा कि अलग दिशा में एक टहनी निकल रही है, उसमें भी पत्ते लग गए हैं। और जहाँ से मैंने तोड़े थे, जहाँ जो मेन जगह से जो खिला हुआ था, वहाँ से भी मैंने गंजा कर दिया था। दो तीन बार कड़ी बनाया था, उसी से ही हो गया था। तो वहाँ पर भी पत्ते उगने चालू हो गए हैं। होप सो कि जल्दी हरा भरा हो जाएगा वो पेड़ भी, पौधा सॉरी। तो और मनी प्लांट जो जून जुलाई वगैरह में बहुत सूख गया था, बट मैंने रखा हुआ था उसको, क्योंकि वो ग्रीन था और मैं होप नहीं छोड़ती जब तक वो पूरा सूख ना जाए। तो मैंने आज ध्यान से देखा, उसकी भी साइड साइड में पत्तों की टहनी सी निकली हुई है, तो ग्रो करेंगे, वो भी ज़िंदा हो रहा है पेड़ धीरे धीरे। स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, तो इतना अच्छा लगता है चीज़ें आपके हाथ की बनी हुई जब कुछ देती है, तो इतना अच्छा लगता है। तो अभी हम दो दिन पहले सैटरडे को गए थे धौज की तरफ। वहाँ पे फिर दोबारा से जो मैंने मम्मी के साथ चढ़ा था पहाड़, वो ध्रुव के साथ चढ़ लिया, उतर गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद टांगों में जो होता है ना, एक दिन में रात में दर्द होता है, उसके बाद दूसरे दिन जो पता चलती है मसल्स कहाँ कहाँ दर्द हो रही है, अंदर अंदर टूटी होंगी, वो टूटी फूट जो ये पैर होती है तभी पता चलती है। तो बहुत दर्द सा हो रहा है और ऐसे ही बैठे बैठे ऐसी थकान फीलिंग हो रही है ना, कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि घर में क्या काम करें या नहीं करें। कल भी पूरा दिन ऐसे ही गया, संडे था मुझे, मतलब वीकेंड तो मैं रखती हूँ कहीं ना कहीं जाने के लिए बाहर का, ऐसे मन में प्लान रहता है, पर मैं जा नहीं पाई कल कहीं पे भी इसी चक्कर में। फिर टीटी मेरा पैशन टाइप ही है, आपको पता ही होगा बार बार मैं क्या बताती रहती हूँ। तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था संडे, और सारा दिन घर पे ही बिता दिया, तो शाम को खेलने में चली गई थी। उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गया, दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है बैठे बैठे सांस फूल रही है, थकान हो रही है, या तो आयरन की कमी हो गई है दोबारा से बॉडी में। जब आयरन की कमी होती है तो ज़्यादा फील होता है ये थकान वगैरह। तो देखते हैं, अगर घर में आयरन की गोली पड़ी हो तो वो खा लूँगी, वरना रेस्ट करूँगी अभी। तो चलिए मैं करती हूँ अपनी एडिटिंग शुरू। कुछ कुछ चीज़ों में पेंडिंग है, ढंग से हो नहीं पा रही है इतने दिनों से, मैं अपने ठीक से करना चाहती हूँ। तो चलिए पहले वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद अभी 12:30 बजे खाने का टाइम नहीं हुआ है, खाना वाना खाएंगे, वॉक भी चालू करनी है दोबारा से। मौसम ठंडा था, हवा बहुत चल रही थी, इसलिए छूट गई थी। चालू करूँगी थोड़ा सा, अभी बॉडी में ना बहुत पेन हो रहा है, तो लग रहा है एक दो दिन तो रेस्ट बनता ही है। ऊपर से कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही है ना, वैसे ही एग्जॉस्ट फील हो रहा है। कोई नहीं, चलिए, जीवन है, अप डाउन होता ही रहता है। काम में इतना बिजी हो गए थे कि पता ही नहीं चला 3 बज गए। खाने की भी भूख एकदम से लगी, टाइम देखा तो बज गए थे 3। तो अभी रोटी बनाई है, ध्रुव को भी दिया, उसको वो भी काम में ही लगा रहता है अपने दूसरे कमरे में, तो उसको भी नहीं पता लगा था। मैंने उसको हालांकि बोला था कि बीच में जब भी रोटी खानी होगी तो बता देना, मैं उसके आसरे बैठी थी कि जब वो आवाज़ देगा तब बना लूँगी। और वो पता नहीं किस लिए उसने आवाज़ नहीं दी, उसे लगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं आज दोपहर में ही। तो बना लिया खाना, उसको भी दे दिया है, मैं भी खा ले रही हूँ। हेलो गाइस,
आज मैंने अपने फेस वॉश करके सुबह लगाया था सैलिसिलिक एसिड मिनिमलिस का, इससे इसको लगाऊंगी मतलब हफ्ते में, अब 2-3 बार बोल रहे हैं लोग लगाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और ये पोर में से ब्लैक हेड्स वगैरह निकाल देता है, तो अब रेगुलरली लगाने की सोचूंगी इसे। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं वॉक पे जाने के लिए, आज शाम को जा रहे हैं वॉक पे, और मैं रेडी हो चुकी हूँ, शूज़ पहनने हैं बस, तो मिलते हैं वॉक के बाद। आज बहुत दिन बाद जा रहे हैं शाम को वॉक करने, तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं। वॉक करते हुए याद आया कि मैंने जो बेयर फुट चैलेंज लिया था ड्राइविंग का, तो उसमें लोगों ने कुछ और चैलेंजेस भी दे रखे हैं, और गाड़ी इतनी गंदी पड़ी है तो उसको करें कैसे पूरा, तो हम गाड़ी भी धुलवाने साथ में ही लिया है, गाड़ी धुलवा के आसपास ही वॉक करने निकल गए थे। ये वही रास्ता है जहाँ पे मैंने पहले ही ड्राइविंग शूट की थी, इसी रास्ते में आगे जाके गुरुजी है, तो ये रास्ता जनरली खाली रहता है, और यहाँ पे रेत बदरपुर कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह सेट है, तो जनरली यहाँ पे हम लोग जो है सीधे सीधे आते जाते हैं, बट बीच में एक कट है, उसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, तो एक्सप्लोर करने निकल पड़े। तो ये भी थोड़ा इंडस्ट्रियल टाइप का ही एरिया है, यहाँ पे फर्नीचर्स वगैरह इंटीरियर्स वगैरह की दुकान थी, कुछ रेत बदरपुर वगैरह की दुकान थी, और ये पीछे रास्ता जो है चलते चलते पीछे एक कॉलोनी से मिल जाता है, जहाँ पे पूरा एक बस्ती या एक शहरी बसा हुआ है एक तरीके से कह सकते हैं आप, पीछे की तरफ से वहाँ निकल जाता है। तो हम वॉक करके वापस आ चुके हैं, अब जाएंगे गाड़ी लेने, और ये देखिए सरसों के खेत, मैंने उस दिन भी दिखाया था आपको, तो अब निकलते हैं। देखिए पीपल का पेड़ कैसा फैला हुआ है इधर उधर से अदरक की तरह, और कार हमारी वॉश होके रेडी हो चुकी थी, इसी के सामने ही वो पीपल का पेड़ है जिसे मैं निहार रही थी, और ये भैया स्कूटी भी धोने लग गए थे यहाँ पे, बहुत अच्छे से इन्होंने हमारी गाड़ी धोई है और नीचे शीट भी लगा दी। तो अब हम चलेंगे घर सीधा यहाँ से। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।